भारतीय जनता पार्टी के पितामह कहलाने वाले संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 69वीं पुण्यतिथि है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 69वीं पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर नमन कर उनका बलिदान दिवस मना रही है। इसी सिलसिले में जबलपुर में भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। सांसद राकेश ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में दो निशान दो प्रधान की खिलाफत की थी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना उस वक्त कश्मीर को लेकर देखा था, उसे पीएम मोदी की अगुवाई में धारा 370 को हटाकर पूरा करने का काम किया गया है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राजनीतिक जीवन पारदर्शिता रखने का सबक सिखाता है, साथ ही उनके पूरे राजनीतिक जीवन से भाजपा को नई दिशा मिलती रहती है। आज उनके बलिदान दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जब भारतीय जनसंघ था तो उसके संस्थापक अध्यक्ष और वो महान नेता जिन्होंने कहा था कि एक देश में दो निशान दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। कश्मीर में उस समय परमिट प्रथा थी, कश्मीर जाने वाले को परमिट लेना होता था। उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद आंदोलन किया, कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश किया, गिरफ्तार हुए, बाद में जेल के भीतर ही अज्ञात कारणों से उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर मुखर्जी एक सवाल छोड़कर गए थे पूरे देश और दुनिया के सामने कि एक ही देश के भीतर एक राज्य में कैसे ये हो सकता है कि देश का नागरिक उस राज्य का नागरिक ना माना जाए। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दो निशान दो प्रधान और दो विधान इस व्यवस्था को समाप्त किया। जबलपुर से रोहित नय्यर की रिपोर्ट।